अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी फंड की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिक्विड फंड क्या होते हैं और क्यों लिक्विड फंड को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया फंड माना जाता है। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि आपको किन दो चीजों का खास ध्यान रखना होता है जब भी आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ बेस्ट लिक्विड फंड कौन से हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप सेविंग बैंक्स और करंट अकाउंट से ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लिक्विड फंड क्या होते हैं। देखिए, लिक्विड फंड एक तरह के डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट स्कीम्स, ट्रेजरी बिल्स। अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स और ट्रेजरी बिल्स होती हैं, उन्हें इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं उन्हें इशू किया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसे इशू किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और बैंक्स के द्वारा। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिक्विड फंड का जो मैच्योरिंग पीरियड होता है वो मैक्सिमम 91 डेज का होता है। यानी कि लिक्विड फंड जिस भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो 91 डेज के पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, और इसमें इन्वेस्ट करने का जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो 1 महीने से 6 महीने तक का होता है। देखिए, वैसे तो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं, पर लोग इन 4 कारणों की वजह से लिक्विड फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका इमरजेंसी फंड। जब लोगों को इमरजेंसी फंड बनाना होता है तब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, या फिर जब आपको अपने इमरजेंसी फंड को कहीं पर इन्वेस्ट करना होता है कि जब आपको उसकी जरूरत हो तो आप उसे इजीली विथड्रॉल कर सके, तो आप उस इमरजेंसी फंड को भी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन है शॉर्ट टर्म पार्किंग। अगर आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पर पार्क करना चाहते हैं तो आप उसे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास कुछ पैसा है जिसे आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद खर्च करने हैं, तो भी आप उस पैसे को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा रीजन होता है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास अचानक से कुछ पैसा आ गया है जिसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसे कहां पर इन्वेस्ट करें, तो आप उसे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आप उस पैसे को सिस्टमैटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में। चौथा और सबसे बड़ा फायदा जो हमें लिक्विड फंड के अंदर देखने को मिलता है वो है लिक्विडिटी। देखिए, जब भी आप एफडी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर एक लॉक इन पीरियड होता है कि आप उस टाइम होराइजन के पहले अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड फंड में आपका पैसा एफडी के सिमिलर रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा होता है और आप उसे जब चाहें तब उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी आपको सिर्फ लिक्विड फंड में देखने को मिलती है। अभी ये तो आपने देखा कि लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब उन 2 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जिसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी जो सबसे पहली चीज होती है वो है आपका एक्सिट लोड। लिक्विड फंड में जो आपका एक्सिट लोड लगता है वो मोस्टली 1 दिन से 7 दिन के बीच में ही लगता है, तो अगर आपको इनकेस अपने पैसे को निकालने की जरूरत आन पड़ती है तो आप उसे कम से कम 7 दिन के बाद ही रिडीम करें, जिस पर आपको कोई भी एक्सिट लोड नहीं लगता है। दूसरी चीज है कि आप जिस किसी भी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें तो आप ये जरूर इंश्योर कर लें कि उसका जो फंड हाउस है वो बड़ा हो। इससे क्या होगा कि इससे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि छोटे फंड हाउस में कई बार आपको पैसे निकालने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लिक्विड फंड में अगर आप बिग फंड हाउस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बड़े फंड हाउस वाले म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जानते हैं कि बेस्ट लिक्विड फंड कौन से हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप सेविंग बैंक्स और करंट अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले फंड का नाम है यूनियन लिक्विड फंड। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 2061 करोड़ रुपए का है। ये फंड 5-स्टार रेटिंग्स के साथ आता है और आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने टोटल 49 डेट सिक्योरिटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 7.3% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 5.5% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 5.3% का रिटर्न दिया है, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है।
अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.07% का है, और एक्सिट लोड अगर आप 7 दिन के बाद रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एक्सिट लोड नहीं लगेगा। तो आप अगर रिडीम करना भी है आपको अपने पैसे को तो 7 दिन के बाद ही रिडीम करें। हमारे अगले लिक्विड फंड का नाम है SBI लिक्विड फंड। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 52,944 करोड़ रुपए का है, और ये फंड 3-स्टार रेटिंग्स के साथ आता है, और आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए की SIP के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड ने टोटल 85 डेब्ट सिक्योरिटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 7.3% का रिटर्न बनाया है, पिछले 3 साल में 5.5% का रिटर्न बनाया है, और पिछले 5 साल में 5.2% का रिटर्न बनाया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.19% का है, और एक्सिट लोड अगर आप 7 दिन के बाद इस पैसे को रिडीम करते हैं तो आप पर कोई भी एक्सिट लोड नहीं लगेगा। हमारे अगले लिक्विड फंड का नाम है ICICI प्रोडेंशियल लिक्विड फंड। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 35,428 करोड़ रुपए का है, और ये फंड 3-स्टार रेटिंग्स के साथ आता है, और आप इस फंड में मिनिमम 99 रुपीज की SIP के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड ने टोटल 119 डेब्ट सिक्योरिटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, और रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 7.3%, पिछले 3 साल में 5.5%, और पिछले 5 साल में 5.2% के रिटर्न बनाई है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है, और एक्सिट लोड अगर आप 7 दिन के बाद रिडीम करते हैं तो आपका कोई भी एक्सिट लोड नहीं लगता है। हमारे अगले लिक्विड फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 29,764 करोड़ रुपए का है, और ये फंड 5-स्टार रेटिंग्स के साथ आता है, और आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपए की SIP के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड ने टोटल 124 डेब्ट सिक्योरिटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में 7.3% का रिटर्न बनाया है, पिछले 3 साल में 5.6% का रिटर्न बनाया है, और पिछले 5 साल में 5.3% का रिटर्न बनाया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.21% का है, और एक्सिट लोड 7 दिन के बाद आपका नहीं लगेगा। हमारे लास्ट लिक्विड फंड का नाम है पराग पारिक लिक्विड फंड। अगर हम इस फंड के फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 2,050 करोड़ रुपए का है, और ये 1-स्टार रेटिंग्स के साथ आता है, और आप इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपए की SIP के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड ने टोटल 25 डेब्ट सिक्योरिटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 6.9% का रिटर्न बनाया है, पिछले 3 साल में 5.2% का रिटर्न बनाया है, और पिछले 5 साल में 4.8% का रिटर्न बनाया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.16% का है, और 7 दिन की इन्वेस्टमेंट के बाद आपका कोई भी एक्सिट लोड इसमें नहीं लगेगा। सो ये रहे बेस्ट लिक्विड फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेविंग बैंक्स और करंट अकाउंट से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड फंड के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी लिक्विड फंड वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्थी।